तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताऊंगा और थायराइड के फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और मैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। ऑलमोस्ट थायराइड प्रॉब्लम से हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म से 42 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं इंडिया में। वो अप्रॉक्सीमेटली 4.02 करोड़ है, करोड़ तक लोग सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं थायराइड के बारे में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारा थायराइड जो ग्लैंड है, वो हमारे नेक में जो टिश्यूज रहते हैं उसमें एक छोटा सा ऑर्गन है वो, जिसके पास हमारी बॉडी को ग्रो करने का बहुत ज़्यादा ताकत रहता है। तो इसको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। जैसे कि एक ऑपरेशन मैनेजर सारे एक कंपनी में हर एक बंदे को काम सौंपता रहता है। मतलब देखिए, आप ये दोनों ऑपरेशन मैनेजर्स ये बंदे को ये काम करो या दूसरे बंदे को ये काम करो करके काम सौंपते रहते हैं। वैसे ही हमारा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ये है कि सारे सेल्स को वो देखता है, वो काम कर रहा है कि नहीं सही तरह से। वो ये इस टास्क को फुलफिल कर पाता है थोड़े हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करके, जो सेल से सेल तक मैसेजेस भेजता है। ये जो हमारा थायराइड हॉर्मोन है, ये इसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स रहते हैं। जिसमें इससे भी छाटा छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, जिसको हम थायराइड फॉलिकल्स कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं हार्मोन्स को, जो थायराइड को हमारे ब्लड में भेजना है, वो हार्मोन्स को ये थायराइड फॉलिकल स्टोर करके रखते हैं। ये जो स्टोर करता है, ये थायराइड फॉलिकल्स में जो दो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स ये स्टोर करता है, उसमें से दो है थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन। ये दो हॉर्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स है जो ये स्टोर करता है, T3 और T4 कह सकते हैं आप इनको। ये मैसेंजर का काम ये है कि सारे सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है हमारे बॉडी में जब इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना है, ताकि वो मेंटेन कर पाए बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपको पता है, मेटाबॉलिज्म जो भी हमारे बॉडी में सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में बॉडी रिपेयर के लिए चाहिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए चाहिए। जब हम फूड लेते हैं वो एनर्जी रिलीज करता है और डाइजेशन होता है, जिससे कि हम हमारे टास्क जो कि है फुलफिल कर पाते हैं, जैसे कि डांस करना हो, जो भी हो। इसको फुलफिल करने के लिए हमारा थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करना है उसको सेक्रेट करता है। और ये हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट अच्छा रेगुलेट कर पाता है और हमारे सेल्स को जो भी फंक्शन करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में, वो अच्छे तरह से कर पाता है। वो जब भी होता है जब हमारा हार्ट और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से पंप होना शुरू कर दे, तो हमारा जो सेल्स है वो भी जो भी न्यूट्रिएंट्स उनके पास आए, जो भी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, उनको वो और अच्छे तरह से ब्रेक डाउन कर पाता है। ये कैसे करता है हमारा थायराइड? थोड़े हॉर्मोन्स को सेक्रेट करके इनके पास भेजता है, हे हार्ट तुम जाके और अच्छे तरह से पंप हो, ताकि तुम्हारे हमारे बॉडी में सेल्स जो है वो और अच्छे तरह से, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो के ये सारे चीज़ है, जो मैट्रिक्स है, जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, वो और अच्छे तरह से उनको ब्रेक डाउन कर पाए और हमारा फंक्शन जो भी है, हमारा एक्टिविटी जो भी है, वो हम और अच्छे तरह से कर पाए। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो थायराइड आपको ग्रो होने में मदद करता है। मतलब अभी आप देख सकते हैं, नारुतो टीन में ग्रो है, टीन से वो और थोड़ा मेच्योर हुआ है, उधर से वो एक अडल्ट में बन गया है। ऐसे ग्रो होने में हेल्प करता है और फ्यूचर में रिप्रोडक्शन करने के लिए, और बच्चे पैदा करने के लिए। नारुतो के साथ हिनाटा है, नारुतो और हिनाटा ने मिलकर बोरुतो और हिमावरी को रिप्रोड्यूस किया, ताकि हमें एक नया सीरीज मिल सके, बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशंस। तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो एक
हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड रहता है, हार्मोन रहता है, हार्मोनल ग्लैंड जो है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड करके रहता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये उसको ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये हमारे थायराइड ग्लैंड को बताता है तब तुम्हें मैसेंजेस भेजना है। जब हार्मोन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, ये उस वक्त पे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को बताता है कि अब तुम्हें ज़्यादा मैसेंजेस भेजना है या अब तुम्हें कम मैसेंजेस भेजना है। जो भी केस हो, हर एक केस में ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक सिग्नल भेजता है जब तुम्हें मैसेंजर्स को भेजना है। इतना अच्छा कंट्रोल सिस्टम होने के बाद भी कभी ना कभार इसके हाथों में से फिसल जाता है ये, इसका फंक्शंस जो है, जिसके वजह से हमें वो तभी होता है जब हमारे बॉडी में कोई केमिकल इम्बैलेंस हुआ हो या हमारे थायराइड में कुछ डिसीज़ हुआ हो, तब हमारे पिट्यूटरी का जब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका बात हमारा थायराइड ग्लैंड नहीं सुनता है। वो ये केस हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा केस है जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स को सेक्रेट करने लगता है। ऐसे सेक्रेट करने से आपको बल्जिंग आइज, मतलब आँख बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और स्वेट आपको बहुत ज़्यादा होने लगता है, और आपका गोइटर मतलब वो थायराइड ग्लैंड जो वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, एनलार्ज होता है वो थायराइड जो है, और आपको स्वेलिंग हो सकता है, हैंड ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रीथिंग में आपको दिक्कत आ सकता है, हेयर लॉस होता है, वेट लॉस होता है। मतलब आप इसको मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म है आप ये भी कह सकते हैं। हंगर आपको लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपका बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स है जो भी आप बॉडी को दे रहे हो वो जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, वेट भी जल्दी कम हो जा रहा है। ये तो ये पहला प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है ये। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक दूसरा प्रॉब्लम है जब आपका ऑर्गन जो है हॉर्मोन्स को बहुत कम सेक्रेट करता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का ऑपोजिट प्रॉब्लम है। हाइपोथायरॉयडिज्म आपका हार्मोन जो है थायराइड जो है वो आपका बहुत कम हार्मोन सेक्रेट करता है। बॉडी सेल्स के पास उतने ज़्यादा मैसेंजर्स नहीं है ताकि वो हमारे सेल्स को गाइड करे, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, इतने ज़्यादा हार्मोन्स सिक्रेट ही नहीं हो रहे ताकि हमारे बॉडी को वो गाइड करे। तो इसके वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाएगा, और आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, थिकेंड स्किन होगा, अनरेक्सिया हो सकता है, आपका बात करने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, थिक टंग है, मैंने और भी जो सिम्टम्स है यहाँ पे लिख दिया है, हेयर लॉस और ड्राई स्किन है, मसल एकनेस होता है, वीकनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका टूल प्रॉपरली पास नहीं होगा। तो ये सब कुछ चेंज करने के लिए पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, और दूसरा जो है मैं आपको उसके साथ न्यूट्रिशन जो मेंटेन करना चाहिए जो गुरुमान सर ने बनाया मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जो टेडीडी का चैनल है वो भी आप चेकआउट करिए, उसमें एनिमेशन से अच्छे तरह से समझाया है। तो गुरुमान सर एक न्यूट्रिशनिस्ट होते हुए हमें थायराइड डाइट का न्यूट्रिशन प्लान दिया है जो हमारे थायराइड को कंट्रोल करेगा और फिट रहने में मदद करेगा। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू आप ओवरव्यू वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ऑप्टिमल थायराइड हेल्थ के लिए वो एक आयोडीन है। आयोडीन मतलब एक एसेंशियल मिनरल है, वो हमारे थायराइड हार्मोन के लिए चाहिए। जिन लोगों के पास आयोडीन का डेफिशिएंसी है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में ये सफ़र कर रहे हैं, एवरी थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस। अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है तो आप आयोडाइज मतलब नॉर्मल टेबल सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं, या आप ज़्यादा आयोडीन रिच फूड्स खा सकते हैं, जैसे कि हमारा फिश हो गया, डायरी हो गया, दूध वगैरह हो गया, और एग्स हो गए। और दूसरा है सेलेनियम। सेलेनियम हमारे बॉडी को एक्टिव थायराइड हॉर्मोन्स
रिलीज करने में मदद करता है। ये एक मिनरल है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी है, मतलब ये हमारे थायराइड ग्लैंड को जो भी डैमेज होगा, फ्री रेडिकल्स आएंगे जो हमारे बॉडी को कुछ डिसीज कॉज कर सकते हैं, उसमें से भी हमारे बॉडी को ये बचाएगा। सेलेनियम रिच फूड्स ऐड करना एक बहुत अच्छा तरीका है आपके सेलेनियम लेवल्स को बूस्ट करने का। तो आप ट्यूना इंक्लूड कर सकते हैं और सैरडाइंस इंक्लूड कर सकते हैं, एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेग्यूम्स मतलब दालें वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, जिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमारा सेलेनियम है, जिंक भी आपके आपको हेल्प करेगा बॉडी को एक्टिव थायराइड हॉर्मोन्स रिलीज करने में। जिंक हमें TSH रेगुलेट करने में हेल्प करता है। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, जो हॉर्मोन हमें हमारे थायराइड को बोलता है। बेसिकली वो हमारे थायराइड ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड का सुनने में मदद करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो गाइड करता है उसका थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्शन और अच्छे तरह से बना पाता है वो। तो हमारे थायराइड ग्लैंड को वो बोलता है कि तुम हॉर्मोन्स रिलीज करो। मतलब मे बी वो केस हो सकता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन रिलीज ही नहीं कर पा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के ना सुनने से, तो वो जिंक उसको एक्टिवेट करेगा। जो हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स है, गोइट्रोजेंस वो कॉम्पाउंड्स है जो हमारे नॉर्मल फंक्शन थायराइड ग्लैंड से वो इंटरफियर करता है। तो आपको इसको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए होगा। जो सोया फूड्स है, टोफू एक्सेट्रा है, उसको अवॉइड करना चाहिए होगा। और सर्टेन वेजिटेबल्स है, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनैच है, उनको आपको अवॉइड करना होगा। और फ्रूटी स्टार्ची फूड, स्वीट पोटैटोस है, पीचेस है, स्ट्रॉबेरीज है, उनको आपको अवॉइड करना होगा। जो नट्स और सीड्स है, मतलब मिलेट और पीनट्स है, उसको भी अवॉइड करना होगा। जो आपका ग्लूटेन है, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो वीट और रे और बैरले में मिलता है। जिन लोगों को सेलिक डिसीज़ है, वो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, वो लोगों को ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए। उनका बॉडी मिस्टेकनली अटैक होता है और ये हमारे सराउंडिंग गट एरिया को डैमेज करता है। इतना हाईली प्रोसेस्ड फूड को आपको खाना बंद करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत यूजुअली ज़्यादातर कैलोरीज रहते हैं। ये जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वेट गेन में खतरा हो सकता है बहुत आसानी से। तो आपको मिलेट्स अवॉइड करना चाहिए सारे तरह के, और हाईली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि हॉट डॉग हो गया, केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए। और सप्लीमेंट्स में आपको सेलेनियम और आयोडीन सप्लीमेंट्स भी अवॉइड करना चाहिए जब तक आपके डॉक्टर ने उसको आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया हो। अगर आप डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो आपको लेना पड़ेगा। तो फूड जो कि है ग्लूटेन है, जिसमें ब्रेड, पास्ता, सीरियल, बियर, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। सोया फूड जो कि है टोफू, टेम्प, सोया मिल्क एक्सेट्रा, क्रूकी फेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच और कैबेज अवॉइड करना चाहिए। सर्टेन फ्रूट्स, पीचेस, पियर्स, स्ट्रॉबेरीज, बीवर्जेस, कॉफ़ी, ग्रीन टी और अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए। जो फूड आपको खाना चाहिए, एग्स है, होल एग्स अच्छा ऑप्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट में जो आयोडीन मिलता है वो रहता है और सेलेनियम मिलता है वो रहता है, एग योक में रहता है। वाइट में आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा। और आपको मीट खा सकते हैं, लैम्बा, चिकन एक्सेट्रा, फिश खा सकते हैं, सी फूड, सैलमन, ट्यूना, वेजिटेबल्स भी आप खा सकते हैं। क्यूरीफेरस वेजिटेबल्स जो है मॉडरेट अमाउंट में आपका आए, जो भी कुक्ड वाला ही खाना पड़ेगा। फ्रूट्स स्ट्रॉबेरीज और पीचेस को छोड़ के सारे अच्छे हैं, बेरीज, बनाना, ऑरेंजेस, टमाटो, स्ट्रॉबेरीज छोड़ के। ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स और सीड्स, मतलब राइस हो गया, बकवीट हो गया, किनवा, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, डायरी हो गया, मिल्क, चीज़, योगर्ट आप खा सकते हैं, बेवरेजेस, वाटर और नॉन कैफिनेटेड बेवरेजेस। जिन लोगों को भी हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, उन लोगों को उनका डाइट बेस्ड ऑन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लीन मीट्स, उसके बेस पे आपको खाना चाहिए। वो कैलरीज में बहुत कम रहते हैं और आपके पेट को जल्दी से भर देते हैं, जिसके वजह से आपको वेट गेन होने का खतरा नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, आपको अच्छे तरह रेस्ट लेना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे आपको सोना पड़ेगा हर रात। जब आप इससे कम पीरियड आप सोते हैं,
फैट गेन का चांस हो सकता है, वो भी आपके बेली के अराउंड। माइंडफुल ईटिंग आप प्रैक्टिस करें, जो आप खा रहे हो वो ध्यान रखें, आप क्यों खा रहे हैं, जितना जल्दी आप खा रहे आपके साथ आपको फूड के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करेगा। वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी है। वर्कआउट, योगा और मेडिटेशन आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करेंगे, मैं उसके बारे में स्ट्रेस वाले वीडियो में बताया, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ होता है हार्मोन, और लो टू मॉडरेट डाइट आप रखें, मतलब लो मॉडरेट कार्ब्स आपको रखना पड़ेगा आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप पूरे कार्ब्स कट आउट कर देंगे और कीटो में चले जाएंगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, हेल्दी वेट मेंटेन करने ज़रूरी है, क्योंकि आपके कीटोजेनिक डाइट में जाने से, बहुत कम कार्ब्स खाने से आपका थायराइड हार्मोन्स को लोअर होगा, इम्बैलेंस होगा। मे बी आपका थायराइड हार्मोन अगर 0.3 से चेकअप करवाए आप एक बार, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल्स चेकअप करवाइए, अगर वो 0.3 या उससे कम है तो कम है, अगर 0.3 0.4 से 2.0 टू 5.0 में है वो अच्छा है, 5.0 से ज़्यादा है तो वो हाई है, हाई और लो दोनों डेंजर है, आपको मीडियम रहना चाहिए, गुड लेवल में रहना चाहिए। अगर आपका 0.3 या उससे कम है तो वो आपका बॉडी हाइपोथायरॉयडिज्म में है, मतलब कम हार्मोन सेक्रेट कर रही है, अगर 5 से ज़्यादा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट कर रही है। जो न्यूट्रिशन प्लान है, आपको उठते ही पैड्स ले टी ले पीना पड़ेगा, बाय द वे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गुरुमान सर ने इसका पूरा कुकिंग करके आपको समझाया है, वो भी आप चेकआउट करिए। जो मील वन में आपको 8 से 9 बजे के टाइम में आपको 2 बॉयल्ड एग्स, 1 एप्पल, 1 ग्लास मिल्क और उसके और 4 ऑप्शन है। बॉयल्ड एग्स में आपको सेलेनियम मिलेगा, एप्पल में आपको जिंक मिलेगा और ग्लास मिल्क में आपको आयोडीन मिलेगा। ये 3 इंग्रेडिएंट्स इस डाइट में से आपको मिलेंगे। 1/2 कप ओट्स ग्लूटेन फ्री हो और 1/2 एप्पल और 10 आलमंड्स, ये 2 ऑप्शन है। और आफ्टरनून स्नैक 11 से 12 टाइम पे 28 ग्राम अखरोट और 1 पियर और उसके साथ 1 कप इंडियन टी। और उसका दूसरा ऑप्शन है, नट्स के जगह पे उन्होंने कैशियोस ऐड कर दिया, नॉन सॉल्टेड और पपाया है 1 कप, इसका और 4 ऑप्शन है। और 1/2 कप ब्राउन राइस है 2 से 3 बजे के टाइम पे, और उसके साथ लेंटल्स मतलब दालें और किडनी बीन्स जो भी बीन्स हो, और उसके साथ 1 कप योगर्ट है, नॉन फैट योगर्ट है, उसके 4 ऑप्शन है। इवनिंग स्नैक में आप 1 कप रोस्टेड चिक पीस खा सकते हैं, 200 ml मिल्क जिसके साथ आपको 10 बादाम या आलमंड जो भी हो वो कंज्यूम करना पड़ेगा। और मील 5 में डिनर में आपको 1 चपाती जो कि ग्लूटेन फ्री हो उसके साथ 1 कप मिक्स्ड दालें हो और सैलेड क्यूकम्बर और टमाटो ऑनियन है वो आप ले सकते हैं। वर्कआउट प्लान गुरुमान का जो भी आप फॉलो कर सकते हैं, 6 वीक स्टडीड आप फॉलो कर सकते हैं, मस्कुलर एट आप फॉलो कर सकते हैं, स्टडीड नेक्स्ट लेवल, और अगर आप घर में ही करना चाहते हैं फिट जोन लेवल 1, 2, 3, 4, 5 ट्रांसफॉर्मेशन 30 जो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका एज 40+ है तो आप चेक वॉकिंग कर सकते हैं बाहर या थ्रेडमिल के पास या जिम वर्कआउट या योगा। ये सारे प्रोग्राम्स हेल्थ एंड फिटनेस चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। ये प्रिंट आउट करिए, जो ये प्रोग्रेस शीट है मंथ 1 और मंथ 2 का आप चेक करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा पहले कितना था, उस गुरुमान सर के न्यूट्रिशन फॉलो करने के बाद थायराइड कितना कम हुआ है, आपको ये सारे चीज़ें मालूम पड़ेंगे। तो दोस्तों ये डाइट प्लान फॉलो करें, अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे तो और आपको हाइपो या हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए होगा, मे बी ए डाइट मोस्टली ए डाइट प्लान हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमारे थायराइड को स्टिमुलेट मतलब हार्मोन्स रेगुलेट करने में मदद करेंगे उनको हाईलाइट किया गया है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो आप ये न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करिए और आपको हेल्प होगा आपका थायराइड लेवल्स को नॉर्मल करने में। तो अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको जो भी न्यूट्रिएंट आपको ज़रूरी है उसका
जो हमें फूड में से नहीं मिलता है उसका सप्लीमेंट में भी वो देंगे, जो भी होगा आप डॉक्टर के पास जाके एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है। और अगर सिचुएशन डॉक्टर मैनेज नहीं कर पाए तो वो आपको एंडोक्रेनोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, जो स्पेशलाइज करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, वो ऐसे ही कर पाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को थायराइड फंक्शन के बारे में, बॉडी के दूसरे हार्मोन्स जो सिक्रीट करते हैं उसके बारे में उसके पास अच्छा नॉलेज है। वो पहले आपको डायग्नोस करेंगे हाइपोथायरायडिज्म से रिलेटेड कंडीशन के बारे में। जब आपको रिजल्ट आएगा वो तो वो आपको ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे। एक या दो विजिट्स के बाद आपको उनसे इतना रेगुलरली मिलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मे बी। दूसरे समय पे आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जब आपका सिम्टम्स हाइपोथायरायडिज्म का जो सिम्टम्स है वो अच्छे नहीं हो पा रहे ट्रीटमेंट के बाद भी। अगर आप न्यूट्रिशन और वर्कआउट मेंटेन करेंगे तो आपको पक्का कम होगा। और उसके साथ थायराइड के लिए मेडिकेशन भी आपका ज़रूरत थोड़ा पड़ेगा। और जब आपको गॉइटर का प्रॉब्लम हुआ हो, जब आपको ऐसा गॉइटर का प्रॉब्लम हुआ हो तब भी, नहीं तो अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, जो ग्लैंड हाइपोथैलेमस में बैठता है ब्रेन में और जो हमारे थायराइड ग्लैंड के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, अगर उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो तब भी आपको मिलना पड़ेगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से। तो दैट्स इट गाइस, अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करिए, और हाइपोथायरायडिज्म का प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।